हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने घरों में होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो अलमारी है वो मैं बार बार सेट करती हूँ और बार बार एक कपड़े उतारते हैं, बच्चे सारे गिर जाते हैं, जो कि वो लुक का मैं इस तरीके से उसमें रखती हूँ, कार्टून में रखती हूँ। कार्टून में रखने से क्या है कि यहाँ वहाँ मतलब बच्चे वो नहीं करेंगे, लेकिन वो तो भी एक ना एक गिराए ही रहते हैं। तो कल रात में इसमें मुझे ऐसे लगा कि चूहे का आवाज़ आ रहा है, तो मैं सोची सुबह ही उठ के पहले मेरा काम है अलमारी को मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो सारे मतलब पुराने कपड़े जो नहीं बच्चे पहनते वो मैं रखती हूँ। और इस अलमारी के पीछे और एक अलमारी है, उसमें मैं सारे चद्दर घड़ी करके रखती हूँ। तो वही मैं आज सोची कि पहले उठ के मैं इसे चेक कर लूँगी, कहीं ऐसा ना हो चूहा घुसा। लेकिन इसमें चूहा तो नहीं निकला, लेकिन छिपकली बहुत मोटी सी निकली फ्रेंड। मतलब मुझे लग रहा है बच्चे लोग इसे सही से बंद नहीं किए होंगे और वो घुस गई होगी और कपड़े में जाके बैठी थी। और जब मैंने देखा तो मुझे इतना शौक हो गई मैं कि बताओ भगवान, छिपकली वो भी बंद अलमारी में घुस गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, एकदम काली सी, एकदम मोटी सी आ गई थी। तो सारे कपड़े में एकाएक गिराई पूरा, मतलब मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो एक आग छिपकली और हो और फिर मेरी ऊपर कूद जाएगी। इस इच्छा में सारे कपड़े को दूर रख के ही गिराती हूँ। तो यहाँ पे इनके भी सारे कपड़े में अच्छे से घड़ी करके रखूँगी और पुराने कपड़े हैं वो भी घड़ी करके रखूँगी। और मैंने सोचा था कि अलमारी बनाने के बाद मेरी टेंशनें कम हो जाएंगी, कपड़े मेरे घर में कम दिखाई देगा। लेकिन मैं दिन भर ही, यकीन नहीं करेंगे आप लोग, बच्चे स्कूल से आने के बाद मतलब एक बार पहनेंगे वो नहीं अच्छा लगेगा, फिर दूसरी बार जाएंगे चेंज करके फिर दूसरा पहनेंगे, मतलब उन लोग का सारा दिन गर्मी के टाइम यही चल रहा है। क्योंकि हल्का कपड़ा वो लोग भी ढूंढते हैं कि मम्मी जितना हल्का कपड़ा हम लोग पहनेंगे उतना अच्छा होगा और गर्मी कम लगेगी, इसी की वजह से वो लोग कपड़े चेंज करते रहते। तो यहाँ हो चुका है शाम, तो यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। आप लोग को पता है मैं एक कटोरे ले छील के रख देती हूँ ताकि मुझे जब काम रहेगा तो मैं फटाक से यूज कर लूँगी। और एक्चुअली में ऐसा है कि लहसुन छीलने में ही ज़्यादा टाइम रहता है तो लगता भी है, इसीलिए मैं लहसुन को छील के रखती हूँ ताकि मुझे भी आराम हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन छील के रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इकट्ठे छील लेती हूँ और फिर फ्रिज में करके रख देती हूँ ताकि कुछ दिन तक चलेगा। और यहाँ पे लाइट अभी नहीं आई है, आप लोग को जैसा पता है कि लाइट की कटौती चल रही है तो इसीलिए लाइट नहीं दी है। सारे बच्चे छत पे चले गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए सब छत पे चले गए। और ये ब्लाउज़ मैंने कल सिला था वही मैं आज पहनी हुई, और जो काला वाला है वो मैं थोड़ी गर्मी कम होगी फिर पहनूंगी, क्योंकि वो अस्तर वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं पहनेंगे। और कोई भी घर में नहीं है, सब बाहर भाग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अब लाइट आएगी तो फिर मैं मसाला पीसूंगी, क्योंकि लाइट आएगी तभी मसाला, इन्वर्टर तो चार्ज है नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि लाइट आएगी तब तक हम लहसुन प्याज सब कट करके रख देंगे ताकि फटाफट बस बनाना रहे हमें। और मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रही है क्योंकि दिन भर से लाइट कम ही आ रही है। एक दो बार आई थी फिर कट गई, ज़्यादा टाइम रुकी नहीं लाइट। तो चलिए फिर लहसुन छील लेते हैं, फिर उसके बाद मसाला हम पीस लेते हैं। यहाँ पे इतना लहसुन छील लिया है, यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पे मैंने लिया है अभी प्याज और लहसुन, अदरक हम डाल दे रहे हैं इसमें, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट मैंने बना लिया है, यहाँ पे भिगा दिया था मटर को भी, तो अच्छे से ये भी फूल चुका है तो इसका पानी हम गिरा लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटर दोपहर में ही मतलब चने को भिगा दिया था, काबिली चना ही है, और अच्छे से फूल चुका है। और यहाँ पे मैंने मसाले को भी पीस लिया क्योंकि लाइट आ गई थी। तो अब चल रहे हैं उबला आलू ले लेंगे दुकान पर से, और फटाफट हम पहले छोले को छौंक दूंगे ताकि
ताकि छोला हो जाए, फिर भटूरे हम बाद में बना लेंगे। मम्मी बेल के दे देंगी और मैं फटाफट सेक लूँगी तो हो जाएगा। तो चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं इसकी छौंकने की। तो यहाँ पे तेल नहीं है, पहले हम दुकान से तेल ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है उबला आलू, उसे डाल दिया। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोला मसाला, तो ये मैं लास्ट में डाल रही हूँ। सीटी कभी भी चेक करके ही लगाना चाहिए, नहीं तो सीटी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा छोला रेडी हो रहा है धीमी आंच पे, और फिर हम कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पे मैंने छोला छौंक दिया है, छोले हो जाएंगे, भटूरे हम कुछ टाइम बाद बनाएंगे जब खाना रहेगा तब, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि पहले मैं छोले छौंक दूंगी और भटूरे गरम गरम रहेगा और गरम गरम सर्व करेंगे, सब खाते रहेंगे और हम छानते रहेंगे। तो सारा चीज़ें हम करके रख दिए हैं, अब चल रहे हैं हवा में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे कोमल रात के बर्तन धो रही है और मैं यहाँ पे भटूरे छान लूँगी। और यहाँ की गर्मी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और लेकिन मन जब करेगा कुछ खाने का तो गर्मी थोड़ी देखनी है, ठंडी गर्मी कुछ नहीं, खाना खाने का जब दिल करे मनपसंद वाला खाना वो भी, तो किसी का भी दिल करने लगता है। हाँ थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में सबसे बढ़िया है छोले भटूरे, सबकी पसंद, मतलब बच्चे लोग की पसंद, बड़े लोग की पसंद। तो गर्मी और ठंडी क्या, चलिए छानते हैं। तो मुझे बस छानना है भटूरे को, यहाँ पे कोम शाम का बर्तन धो रही है, तो हम लोग का फटाफट शाम का काम हो रहा है, और फिर दुकान भी बढ़ा के और गरम गरम सब खाना खाएंगे छोले भटूरे। यहाँ पे तेल रख दिया है, तेल गरम हो रहा है,
क्योंकि स्टैंड में बैठ ही नहीं रहा है, स्टैंड और बैठ नहीं रहा है, खड़े ही। पेपर लिए तो पेपर में कह के रखे, गर्म में गर्म नहीं है। ऐसे नरम नहीं रहेगा, अच्छा लगा तो ऐसे लाइट है, ज्यादा लाल नहीं होगा। गोलू सो गई है, हमारा भटूरा तैयार होते होते अभी टाइम हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:30। उठो गोलू उठो, 10 बज गए, 10 बज गए, तो यहाँ पे 10 बज गए। यहाँ पे बच्चों को खाना खाने बैठ गए हैं, अब हम भी चल रहे हैं खाना खाने। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। गोलू उठ नहीं रही है, उठाया जा रहा है तो भी। गोलू उठो, एंड कर दो। गोलू मेरी बहुत अच्छा वीडियो बोलती है। हेलो गाइज, बैक टू माई चैनल।
तो इस वीडियो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे चल रहे हैं बोलू को उठा के, हम भी खाना खाने आइए, आप लोग भी खा लीजिए छोले भटूरे।